वहीं कांग्रेस के स्पीक अप इंडिया अभियान को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने भी अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि मैं सोनिया गांधी जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मजदूरों की आवाज को बुलंद किया है। क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी को बधाई देना चाहूंगा, उन्होंने स्पीक अप इंडिया के माध्यम से देश के लाखों करोड़ों मजदूरों की आवाज को बुलंद करने का आह्वान किया है। जैसा आप सब जानते हैं कि कोरोना के बारे में जिस रूप में लॉकडाउन किया गया अचानक, उसके कारण से पूरे देश को जो तकलीफ हुई है उनको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। विशेष रूप से मजदूर चलने पैदल घर की तरफ, वो दृश्य विचलित करने वाले देशवासियों को, किस प्रकार से रास्ते में डिलीवरी हो रही है, बच्चे मारे जा रहे हैं, औरतें मर्द मारे जा रहे हैं, कोई कल्पना नहीं कर सकता। इतना अस्त व्यवस्था हो गई जो पहली बार सुन रहे कि रेलगाड़ी भी ट्रेन भी बॉम्बे से चलती पटना के लिए पहुंच जाती है उड़ीसा के लिए, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। हृदय विदारक दृश्य देख करके जो संवेदनशीलता होनी चाहिए केंद्र सरकार में वो नजर नहीं आती है, वरना इतने लंबे समय तक मजदूर कभी पैदल चलने की नौबत नहीं आती। अगर केंद्र सरकार जैसे जारी कर रही थी एडवाइजरी राज्यों को, उसी प्रकार से अगर वो एडवाइजरी जारी करते राज्यों को, आपको बसें लगा करके ये सुनिश्चित करना चाहिए एक भी मजदूर आपके राज्य में, आपके राज्य किसी गांव में कस्बे में पैदल चलता हुआ नजर नहीं आना चाहिए, तो 3 दिन में ये संकट समाप्त हो सकता था जैसे राजस्थान ने किया। मुझे बहुत दुख है कहते हुए, लापरवाहियों का जो माहौल है देश के अंदर उससे लोग चिंतित हो गए हैं। लोगों ने सरकार को सपोर्ट किया पूरी तरह से, प्रधानमंत्री जी ने ताली बजवाई, थाली बजवाई, बैंड बजवाए, लोगों ने उसको स्वीकार भी किया और साथ भी दिया। तो आज पूरे देश के अंदर जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से जो बैंड बज गई है पूरे देश के अंदर, उसका हम सबको दुख है। उसके कारण से ना आर्थिक रूप से गतिविधियाँ शुरू हो पा रही है लॉकडाउन 4 के बावजूद भी, ना पूरी तरह से रुक पा रहे हैं केसेस पहले की तरह आ रहे हैं। सरकार, राज्य सरकारें पूरी कोशिश कर रही है किस प्रकार से COVID-19 का मुकाबला किया जाए। केंद्र सरकार को चाहिए था कि वो आगे आकर के बगैर की बजाय कि राज्य सरकार मांग करे केंद्र से इमदाद देने की, ये COVID-19 का वक्त है, लॉकडाउन हो चुका है, रेवेन्यू 30% आ गई राज्यों की, चाहे किसी पोलिटिकल पार्टी की राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार को आगे आके उनको पैकेज देना चाहिए था। 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा करी, पूरा देश दुनिया जानती है कि 90% लोन के रूप में घोषणाएं हुई है, उसका फायदा नहीं मिलने वाला है। जब तक गरीब तक, मजदूर तक, दिहाड़ी मजदूर वालों को, BPL को, स्टेट BPL को, अंत्योदय वालों को, जब तक उनकी जेब में पैसा नहीं जाएगा तब तक वो पहले खर्च नहीं होगा, परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी उसकी, तो खर्च कैसे करेगा? खर्च होंगे, डिमांड बढ़ेगी, तो जाके इकोनॉमी वापस पटरी पर आएगी, पर दुर्भाग्य से इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। उस कारण से आज लोग सब तकलीफ के अंदर है, और बिजनेस व्यापारी हो चाहे दुकानदार हो, दुकानें खोलने में माल बिक नहीं रहा है। इसलिए सोनिया गांधी जी ने कहा था लॉकडाउन शुरू होते ही कि सरकार को चाहिए 21 दिन का एडवांस पेमेंट करें नरेगा मजदूरों को, उनकी बात सुनी नहीं गई। अभी कांग्रेस मांग करिए कि आप 10,000 रुपये प्रति गरीब परिवार को दीजिए जिससे उसकी परचेजिंग पावर बढ़े, उसके कारण से डिमांड बढ़ेगी और व्यापार शुरू होंगे। इसलिए जो मांग की जा रही है पूरे देश के अंदर, गरीबों के लिए पैकेज दीजिए जिससे कि गाड़ी पटरी पर आए। सोनिया गांधी जी जो कांग्रेस अध्यक्ष है, और राहुल गांधी जी ने पहले भी कहा था, अभी हाल ही में कहा है,
हम आलोचना नहीं करना चाहते सरकार की, सरकार पूरी सरकार के साथ में कांग्रेस पार्टी खड़ी मिलेगी आपको हर वक्त में। उसके बावजूद भी अगर कोई सलाह देते विपक्ष वाले तो उन सलाह को मानना नहीं मानना सरकार का काम है, परंतु सुनने की बजाय उन सलाह को लेके आलोचना करना, कंडेम करना, कैसे कैसे शब्द काम लिए जाते हैं, पूरी मीडिया में आते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं फिर कहना चाहूँगा कि कांग्रेस प्रेसिडेंट ने जो आह्वान किया है स्पीक अप इंडिया, इसके माध्यम से आज लाखों लोगों ने जो अपनी भावना व्यक्त की है, ये तमाम प्रयास केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए और दबाव देने के लिए किया जा रहा, जिससे कि आने वाले वक्त में गरीब आदमी का, मजदूर का, बेचारा इंसान का, उनका भला हो सके और जो आज दृश्य बने हैं देश के अंदर वो समाप्त हो सके और गाड़ी पट्टी पर आ सके, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, और स्वास्थ्य सेवाओं को जो मजबूत करने की बात की जा रही है उस पर भी ध्यान जा सके। मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार आज के इस अभियान के माध्यम से एक मैसेज लेगी और बजाय कि उसके बारे में टीका टिप्पणी करने के बजाय वो किस रूप में आगे आके फैसला कर सकती है 10,000 रुपये का प्रति व्यक्ति प्रति परिवार, उसका फायदा मिलेगा देश को, ये मैं मानता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। कांग्रेस के